इतने सारे सकुलेंस हैं, कितने कलरफुल हैं। दूर से देखने पर प्लास्टिक से बने हुए जैसे लगते हैं। ये वाला व्हाइट फूल कितना प्यारा है, इसका नाम पता है? ठंडा के दिन आने के लिए कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए आज मैं आया हूँ फूलों की दुकान में। अभी नवंबर का महीना चल रहा है और मैं आया हूँ काचारी फ्लावर मार्केट गुवाहाटी में, जो पान बाज़ार में है। रोड के ही साइड पे ऐसे बहुत सारे फूलों के दुकान लगे हुए हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीडे ही ये दुकान खुलते हैं, संडे थोड़ा कम रहता है। यहाँ पर आपको परमानेंट प्लांट्स के अलावा सीजनल फ्लावर्स, पॉट्स और प्लांट्स में देने वाली फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी। टेंगल्ड हार्ट वाइन 300 रुपीज़ बोला है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पॉट में लगा है। आप लोग छोटा पॉट भी खरीद सकते हैं कम दाम में। पेडिलेंथस हैंगिंग पॉट में ऐसे देने से बहुत सुंदर दिखता है। मिनी रबर प्लांट, इसका कलर तो देखिए कितना डार्क ग्रीन, ऑलमोस्ट ब्लैक की तरह। क्रोटॉन प्लांट छोटे प्लांट है, इसलिए 200 में मिल जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट और वेरीगेटेड बैम्बूस भी है यहाँ पर, इंडोर प्लांट की तरह अंदर रख सकते हैं। फाइलोडेंड्रॉन पत्तों की कलर कितना डिफरेंट है, थोड़ा ब्लूइश है। वाइट कलर का डेंड्रोबियम ऑर्किड, प्लांट का साइज बहुत ही मैच्योर है, इसलिए 500 बोला है। पर्पल कलर का भी है, मैच्योर डेंड्रोबियम खरीदने जाओ तो 500 तो लेगा ही, छोटा साइज का खरीदो तो कम दाम में मिल जाएगा। बहुत ही डिफरेंट कलर और वेराइटीज़ के बोगेनविलिया, इन सब प्लांट का साइज थोड़ा मैच्योर है इसलिए थोड़ा महंगा है, छोटा वाला भी खरीद सकते हैं। मैंने ये वेरीगेटेड बोगेनविलिया, इसमें लाल फूल है, 250 में ख़रीदा है। और ये मेंडेविला पिंक कलर का, ये भी 250 में ख़रीदा है। पिंक एक्सोरा, ये डॉर्फ वेराइटी का है, इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। वाइट और रेड कलर का क्रिसमस कैक्टस, इसमें तो अभी से फूल हैं, खिले हुए हैं। ये सब ग्रीन हाउस में रखे थे, इसलिए दिसंबर आने से पहले ही इसमें फूल लग गए। कोई फ्रूट्स का प्लांट है ये, इतना छोटा है लेकिन ये सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बॉन्साई बनाने के लिए अच्छा है। एंजॉय मनी प्लांट, मिनी पाम है ये, इसको घर के अंदर बहुत ही लो लाइट में रख सकते हैं। मिनी वेराइटी का बनाना है, कितना प्यारा दिखता है। डिफरेंट वेराइटीज़ के पेपेरोमिया है, इनके पत्तों का शेप और कलर तो सबका अलग अलग है। एलोकेशिया, अभी ठंडे दिनों में ये तो डोरमेंसी में चला जाएगा। जीजी प्लांट, ब्रोकन हार्ट वाइन 150 में मिल रहा है। एग्लोनीमा, ये सब मैच्योर एग्लोनीमा है इसलिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 500 ऐसा करके बोल रहे हैं। छोटा सैंपल खरीदे तो कम दाम में मिल जाएगा। इसका नाम है फाइलोडेंड्रोन बर्किन। कैलाथिया पर्पल, ब्रोमेलिया, ये सब तो विंटर सीजन का प्लांट्स नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिन में स्प्रिंग आने से पहले ये सब प्लांट्स खरीद सकते हैं। हाइड्रेंजिया, अभी तो सीज़न नहीं हुआ है फ्लावर आने का, ये सब इंडोर प्लांट्स हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ और कलर्स के इंडोर प्लांट्स, बहुत सारे कलर्स के एजेलिया। छोटे वाले प्लांट 150 में मिल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा बड़ा और मैच्योर है उसका प्राइस 300-400 तक जा सकता है। क्रोटॉन प्लांट और ये पिंक कलर का ड्वार्फ एक्सोरा, वाइट कलर का भी है, ये है अरेलिया, ये ड्वार्फ वेराइटी का है इसलिए बहुत छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। बेगोनिया के सैंपल्स मिल रहे हैं, जब ठंडा दिन आता है तो बेगोनिया के पत्ते डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर के बन जाते हैं, छोटे छोटे फूल भी आते हैं, बहुत प्यारे दिखते हैं। दुकानदार बोल रहा है ये गुलमोहर का प्लांट है, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट है, फिर भी एक ले लेता हूँ, बॉन्साई बनाने के लिए अच्छा है। पॉइंसेटिया के वाइट कलर रेड कलर मिल रहे हैं, और ये है कैलाडियम, और बहुत सारे वेराइटीज़ के सकुलेंट 100 और 150 में मिल जाएंगे।
थोड़ा बड़ा वाला खरीदे तो 200 तक जा सकता है प्राइस। ये केकटस अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे लाल लाल, पता नहीं फ्रूट्स है या फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं। ठंडा दिन आ गया है इसलिए क्रिसेंथेमम खरीद सकते हैं। ये है एडेनियम का प्लांट, छोटा वाला 250 में मिलेगा, लेकिन जो मैच्योर है वो पूरा 3000 तक प्राइस बोल रहे हैं। ये सब मीडियम साइज। वेरीगेटेड रबर प्लांट है और पीछे वो वाइट कलर का पीस लिली भी है। जीजी प्लांट, एशियाटिक लिली, अभी एक दो महीने में फूल खिलेगी। रेड कलर का एग्लोनिमा, ये रेड कलर का डॉर्फ वेराइटी एक्जोरा, ये भी एक टाइप का सकुलेंट ही है। ये एक हाइड्रेंजिया ले लिया है 150 में। कलंचो निकला है पिंक कलर का, ये सब ही हाइब्रिड है। कलंचो ले सकते हैं, अभी ठंडे दिनों से लेकर स्प्रिंग तक इसमें फूल आएंगे। बहुत सारे वेराइटीज़ के सकुलेंट्स, पिटूनिया के सीडलिंग्स लगाने का भी टाइम आ गया है। कितने वेराइटीज़ के क्रिसेंथेमम निकले हैं, जो भी कलर चाहिए ले सकते हैं। ये हाइब्रिड ड्वार्फ वेराइटी का जरबेरा, रोज के प्लांट्स भी खरीद सकते हैं, अभी ठंडा दिनों में फूल खिलेंगे। वे क्रिसमस कैक्टस भी ठंडे दिनों में ही खिलता है। फेलनोप्सिस ऑर्किड भी है, केल बुली कोई खाबो पारिजन पाओ इतो खुआए होय तो। और भी है बोगेनविलिया, ठंडा दिन आ गया है तो अभी बोगेनविलिया में और भी फूल आएंगे। ठंडे सीजन के फ्लावर्स, इस बार ठंडे दिनों में आप लोग क्या क्या फूल लगा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी जो भी अवेलेबल है आप लोगों को दिखा दिया है। नेक्स्ट टाइम के लिए और भी दिखाऊंगा।